हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पद्म पाणि बोधिसत्व चित्र का पूर्ण विवरण। बेटा, ये क्लास 10th के पेंटिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, उनकी यूनिट नंबर 3 जो कि आने वाली है उनके सेकेंड टर्म सिलेबस में। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट यानी कि भारतीय कला का इतिहास या फिर भारतीय कला की कहानी। तो बेटा, इस यूनिट से आपको एक चित्र, एक मूर्तिशिल्प और एक स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में आपसे टर्म सेकेंड बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसी का चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व के बारे में पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, तो बेटा अपने सिंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सिलेबस, आंसर कीज, मार्किंग स्कीम और CBSE अपडेट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे पद्म पाणि बोधिसत्व चित्र कैसा दिखता है। तो बेटा, ये रहा आपका चित्र पद्म पाणि बोधिसत्व। ये अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित चित्र है। आपने अजंता के बारे में बेटा थोड़ा पढ़ा होगा कि अजंता जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें से आज की डेट में सिर्फ 6 गुफाएं हैं जहाँ पर हमको चित्र देखने मिलता है, और वो गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10 और 16, 17। 30 गुफाओं में से बस 1-2 नंबर की गुफा, 9-10 नंबर की गुफा और 16-17 नंबर की गुफा में ही हमें चित्र देखने मिलता है। तो ये जो पद्म पाणि चित्र बेटा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो अजंता की पहली गुफा में चित्र बना हुआ है, जिसको हम पद्म पाणि बोधिसत्व कहते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है, अधखुली आँखें हैं, थोड़े से मोटे लेदार होठ हैं इनके। नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ की तुलना में ज़्यादा मोटा है। गले में इन्होंने मोती की माला पहनी हुई है। जो सीधा हाथ है उसमें उन्होंने एक कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इसके अलावा उनकी मुख्य आकृति के पीछे बहुत सारे गंधर्व, कन्याएं, पशु पक्षी ऐसे चित्रित हैं, और उनके उल्टे हाथ की तरफ एक राजकुमारी को चित्रित किया गया है, जिसने ऐसे मुकुट लगा रखा है और ऐसे थोड़ा सा पद्म पाणि जी के मुकाबले उस जो महिला का है शरीर का रंग थोड़ा डार्क है, जिस कारण से उसको काली राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था जो चित्र को देख करके हम समझ पा रहे हैं। अब हम जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। तो बेटा, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पद्म पाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 का चित्र। तो बेटा, ये कहाँ पर स्थित है? अजंता, महाराष्ट्र, इंडिया में स्थित है। जल रंगों से भित्ति पर, भित्ति बेटा दीवार को कहते हैं, ठीक है, दीवार को हम भित्ति कहते हैं, यानी कि दीवार पर ये चित्र बना हुआ है। और कब बना हुआ है? तो ईसा की 5वीं शताब्दी में इस चित्र का निर्माण किया है। और जिस कलाकार ने इस चित्र को बनाया है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। टेम्परा तकनीक से बेटा इस चित्र को बनाया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि टेम्परा तकनीक क्या होती है। जब हम जल रंगों में वाइट या फिर डार्क कलर यानी कि ब्राउन कलर मिक्स कर देते हैं और रंग को अपारदर्शी बना देते हैं या ओपेक बना देते हैं, तो वो कहलाता है टेम्परा तकनीक। ठीक है, जिस तरह से आपके ऐसे घर के अंदर दीवारों पर आजकल पेंट भी होते हैं ना, तो वो पेंट लगभग टेम्परा कलर से ही बने होते हैं। वाटर कलर जो है वो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हमको देखा जा सकता है, और उस पारदर्शी रंग को अपारदर्शी बनाने की प्रक्रिया ही टेम्परा कहलाती है। आज की डेट में बेटा अगर आप इस चित्र को देखना चाहते हैं तो इसका संग्रहण किया गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, यानी कि आपको महाराष्ट्र में औरंगाबाद इन गुफाओं में जाना पड़ेगा, और उन गुफाओं की देखरेख का काम कौन करता है? भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब इस चित्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये भित्ति चित्र है, जिसको हम म्यूरल पेंटिंग भी बोलते हैं।
पवित्र समाधि स्थल के सामने वाले बड़े कक्ष यानी कि हॉल के पीछे वाली दीवार पर गुफा संख्या एक में चित्रित किया गया है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इस चित्र का नाम पड़ा है पद्मवाणी बोधिसत्व। इस चित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। तो इस चित्र में बोधिसत्व के कंधों को पर्याप्त विस्तार दिया गया है, यानी कि बड़े कंधे पद्मवाणी बोधिसत्व के बनाए गए हैं। शरीर में तीन घुमाव दिए गए हैं, जिसको कि कह देते हैं कि इससे त्रिभंग मुद्रा बोल देते हैं, है ना। जैसे जिस साइड पैर होते हैं उसी साइड ऐसे फेस जाना, तो ये तीन भागों में यानी कि लय इससे शरीर में आ जाती है, तीन घुमाव इसको दिए गए हैं, तो त्रिभंग मुद्रा इस चित्र की विशेषता है। सेकंड है, शरीर की बाह्य रेखा त्वचा के रंग व विस्तार के साथ संयोजित दिखाई पड़ती है, अर्थात इस चित्र में कोमलता है, सौम्यता है और त्रिआयामी प्रभाव भी रेखा के प्रयोग से उत्पन्न हो गया है। बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित एक बड़ा सा मुकुट दिखाया गया है और सिर बाएं कंधे की ओर झुका हुआ चित्रित किया गया है। आंखें झुकी हुई हैं, अपेक्षाकृत बड़ी आंखें हैं, घुमावदार भौहें हैं और नाक के ऊपर आपस में मिलती हुई दिखाई गई है, जैसे हमारी तुम्हारी भौहों के बीच में ऐसे गैप होता है, तो इस चित्र में दोनों भौहों के बीच गैप नहीं दिखाया गया है, एक ही रेखा से लयदार रेखा से चित्रकार ने भौहों को बना दिया है। नाक को पर्याप्त उभार देने के लिए त्वचा के रंग को हल्का इन्होंने चित्रित किया है, ठीक है। और पैनी सीधी नाक चित्रकार ने यहाँ पर पद्मवाणी बोधिसत्व की बनाई है। सफेद मोतियों वाले हार के बीच नीला रत्न लगाया गया है, जो कि इस चित्र को विशिष्टता प्रदान करता है। चित्र की रेखाएं लयबद्ध यानी कि लयदार रेखाएं हैं, कोमल रेखाएं हैं, उन रेखाओं से शरीर का उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियां दिखाई गई हैं, जिसमें वानर, दिव्य शक्तियां, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा भी है। ये सभी लोग उन्हें आश्चर्य भाव से देख रहे हैं। धड़ के ऊपर धागों की लट दिखाई गई है, जिसकी महीन घुमावदार रेखाएं आयाम उत्पन्न कर रहे हैं। चित्र में शरीर के प्रत्येक अंग को समान महत्व दिया गया है। उनकी बाएं बाजू में एक धागा बंधा हुआ है, जबकि जो सीधा हाथ है उसके अंदर पद्म यानी कि कमल का फूल उन्होंने पकड़ा हुआ है। इस भित्ति चित्र में पीला, हल्का, लाल, भूरा, हरा तथा नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र में बोधिसत्व की भौहें, नाक, होंठ, ठोड़ी व हाथ की उंगलियों में रेखाओं से लयबद्धता यानी कि लय उत्पन्न की गई है, ठीक है बेटा। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। आप सारी याद ना करें तो इसमें से 5-7 तो जरूर याद कर लें। तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पद्मवाणी बोधिसत्व पर आधारित ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।